हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बंधता इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ लिए थे, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइस, यह एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है कि एग्जाम में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो गाइस, अब हम लोग इसके माध्यम से नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अनुप्रस्थ कार्ड का चित्र बना दिया हूँ, क्योंकि गाइस यही मेन होता है एग्जाम में जो हम लोगों को छापना होता है। जो वो अगला वाला जो इसके आगे वाला चित्र होता है वह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना यह होता है। तो गाइस, इसलिए मैंने इसे बनाया है। तो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। तो गाइस, जो नर जनन तंत्र होता है यह 3 प्रकार का होता है। जो हम लोगों का नर जनन तंत्र होता है यह 3 प्रकार का होता है। जो नर जनन तंत्र होता है हम लोगों का वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक लिंग अंग, प्राथमिक लिंग अंग। और गाय दूसरा होता है सहायक नली, सहायक नली। और तीसरा होता है सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। गाइस, यह जो हम लोगों का नर जनन तंत्र होता है यह 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है प्राथमिक लिंग अंग, दूसरा है सहायक नली और तीसरा है सहायक ग्रंथि। गाइस, जो हम लोगों का प्राथमिक लिंग अंग है इसमें हम लोगों का आता है वृषण, वृषण जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। और गाय जो सहायक नली में हम लोगों का आता है वह है पहला वास इफरेंसिया, वास डिफरेंस। दूसरा है रेट्टे टेस्टिस, रेट्टे टेस्टिस। और तीसरा है अधिवृषण, अधि। गाइस, इसमें जो हम लोगों का है पहला हुआ है वास डिफरेंस, दूसरा है रेट्टे टेस्टिस, तीसरा है अधिवृषण और इसमें और चौथा है हम लोगों का शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। और गाइस, जो हम लोगों का सहायक ग्रंथ है इसमें आता है हम लोगों का सेमिनल वेसिकल, मतलब शुक्रवाहक, शुक्रवाहक। और इसमें आता है हम लोगों का काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। और तीसरा आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। गाइस, यह हम लोगों का हो गया नर जनन तंत्र। यह गाइस 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्राथमिक लिंग अंग जिसमें वृषण होता है, दूसरा है सहायक नली जिसमें वास डिफरेंस, रेट्टे टेस्टेड, अधिवृषण व शुक्रवाहिनी होता है। इसके पश्चात गाइस, जो हम लोगों का तीसरा है वह है सहायक ग्रंथि, इसमें होता है पहला शुक्रवाहक, दूसरा काउपर ग्रंथ, तीसरा प्रोस्टेट ग्रंथ। अब गाइस, हम लोग बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वह है वृषण। तो गाइस, वृषण क्या होता है? वृषण हमारे शरीर में जोड़े में पाए जाते हैं या हमारे शरीर के उदरी भाग में होते हैं या हमारे शरीर के उदरी भाग में होते हैं तथा यह शरीर से थोड़ा अलग होते हैं। गाइस, ये अलग क्यों होते हैं, हमारे शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वह है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और जो वृषण में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे केवल टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस, टेम्परेचर को संतुलन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो हमारे वृषण होते हैं या हमारे उदरी भाग में बाहर पाए जाते हैं। क्योंकि गाइस, अगर यहाँ पर रहेंगे, शरीर के अंदर रहेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पर रहेंगे तो हमारा जो वृषण में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वह जीवित नहीं रहेगा। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का वृषण। अब आइए हम लोग वृषण के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो गाय जो हम लोगों का पहला हेडिंग है वह है वृषण टेस्टिस। गाइज यह जो टेस्टिस होता है हमारे शरीर में जोड़े में पाया जाता है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो ये पाला है ये जोड़े में पाए जाते हैं, ये जोड़े में पाए जाते हैं। गाय दूसरा, इसमें कुल 250 कच्छ होते हैं, इसमें 250 कच्छ होते हैं। गाय यह हमारे शरीर के बाहरी भाग में स्थित होता है, यह हमारे शरीर के बाहरी भाग में होता है। गाइज इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। गाइस यह होगा, ये जोड़े में होते हैं, इसमें कुल 250 कच्छ होते हैं, यह हमारे शरीर के बाहरी भाग में होता है तथा इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। गाइस जो इससे होता है पांचवा जो हमारा वृषण होता है, वृषण से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वृषण से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हमारा जो वृषण है इससे हमारे शरीर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और गाय जो हमारे शरीर में जो वृषण होता है इसमें हमारे शरीर में जो वृषण होता है इससे हमारे स्पर्म को पोषण मिलता है। जो हमारा वृषण से प्राप्त स्पर्म है इसको पोषण सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, जो हमारे वृषण में सर्टोली कोशिकाएँ पाई जाती हैं, सर्टोली कोशिकाएँ। गाय जब यह मैं आपको वृषण का आंतरिक भाग बताऊंगा तब पढ़ाऊंगा, सर्टोली कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो स्पर्म को पोषण प्रदान करती है, जो स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। और गाइस इसमें सातवां पॉइंट है, इसमें लीडिंग सेल पाई जाती हैं, लीडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। गाइज यह हो गया हम लोगों का टेस्टिस के बारे में, ये जोड़े में पाए जाते हैं, इसमें कुल 250 कच्छ होते हैं। गाइज ये कच्छ जो होते हैं, कच्छ पालिकाएं कुल में 250 होती हैं, और यह हमारे शरीर के बाहरी भाग में होता है, हमारे शरीर के उदरी भाग में होता है तथा इसकी लंबाई जो होती है यह 4 से 5 सेंटीमीटर, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और वह इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। गाइज जो इसकी लंबाई होती है वह 4 से 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और जो गाइज हमारा स्पर्म है, जो हमारा स्पर्म है वह वृषण से ही इसका फॉर्मेशन होता है। वृषण के अंदर जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएँ पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएँ हो गया, लीडिंग सेल हो गया, इनके द्वारा जो हमारे वृषण को, वृषण में स्पर्म को पोषण प्रदान होता है तथा वह स्पर्म के द्वारा जो स्पर्म स्रावित होता है वह वृषण से ही होता है। और जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वह वृषण में, हमारे जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वह हमारे स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं, और जो लीडिंग सेल होती हैं वह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। गाइस यह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स हमारे शरीर में द्वितीयक वृद्धि लाता है, द्वितीयक वृद्धि के कारण यह जो टेस्टोस्टेरॉन होता है यह हमारे शरीर में 12 साल के बाद स्रावित होता है, यह हमारे शरीर में 12 साल के बाद स्रावित होता है। जब यह टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है तो जो
हमारे शरीर में दाढ़ी मूंछ तथा जो हमारे आवाज़ें होती हैं वे मोटी हो जाती हैं, वह होती हैं केवल टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्रावित होने के कारण, और यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन लीडिंग सेल के द्वारा स्रावित होता है। गाय जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, यह जब लड़का 12 साल का हो जाता है तब इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तथा इसके फॉर्मेशन से जो हमारे दाढ़ी मूछ आते हैं तथा हमारे जो आवाज़ होते हैं वह एकदम कठोर हो जाता है। गाइस यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के कारण होता है। गाय जो सर्टोली कोशिकाएँ होती हैं इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सर्टोली कोशिकाएँ हैं ये, गाइस ये हमारे सर्टोली कोशिकाएं हैं तथा यहाँ पर हमारा शुक्राणु होता है, तथा यहाँ पर हमारा शुक्राणु है। गाइस ये हो गया हमारा शुक्राणु और यह हो गया हमारा सर्टोली कोशिकाएं। गाइस यह है हमारा शुक्राणु और यह हमारे सर्टोली कोशिकाएं। जो हमारे सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वह अलग अलग होती हैं और यह शुक्राणु को क्या प्रदान करती हैं, प्रोसर प्रदान करती है। और गाइस जो हमारे ये लीडिंग सेल होते हैं, ये लीडिंग सेल यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आकार के होते हैं तथा ये ढेर सारे होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल। यह जहाँ पर भी उपस्थित होंगे ढेर सारी संख्या में उपस्थित होंगे। गाइस ये जहाँ पर भी उपस्थित होंगे ढेर सारी संख्या में उपस्थित होंगे, और जो हमारा सर्टोली कोशिका होगा वह केवल एक ही होगा। जो हमारी सर्टोली कोशिका होगा वह केवल एक ही होगा। गाइस यह हो गया हमारा सर्टोली कोशिका और यह हमारे लीडिंग सेल। जो हमारे लीडिंग सेल होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन गाइस जो हमारे ये लीडिंग सेल होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करते हैं, और जो हमारे सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। और गाइस जो हमारे ये लीडिंग सेल होते हैं ये ढेर सारे संख्या में होते हैं, और जो हमारे ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं यह अलग अलग होती हैं। तो गाइस यह हो गया हमारे वृषण के बारे में। गाइस जो हमारे वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है वह हमारे शरीर में द्वितीय वृद्धि को उत्पन्न करता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का टेस्टिस के बारे में, तथा यह हो गया सर्टोली कोशिकाएं जो हमारे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं, वह जो लीडिंग सेल होती हैं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। गाइस यह टेस्टोस्टेरोन नामक गंधयुक्त होता है, मतलब यह अधिक बदबूदार होता है। यह हो गया गाइस टेस्टोस्टेरोन और हम लोगों का टेस्टिस के बारे में हो गया। टेस्टिस हमारे शरीर में उदरी भाग में पाए जाते हैं, यह जोड़ों में होते हैं तथा इसमें हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा हमारे स्पर्म का निर्माण होता है, फिर इसके पश्चात यह शुक्रवाहिनी के द्वारा यह शुक्राशय में चला जाता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का टेस्टिस के बारे में। तो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक नली के बारे में। गाइस जो हम लोगों का सहायक नली में है वह है पहला वास इफ्रेंस। गाइस जो हम लोगों का वास इफ्रेंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी, यह है शुक्र
वाहिनी। गाइज हमारा जो पहला है शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। गाइज जो हमारे शरीर में वॉश रिफरेंस शुक्र वाहिनी होता है, जो हमारे शरीर में शुक्र वाहिनी होता है, या हमारे टेस्टिस से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो यह इसे लाकर शुक्राशय तक पहुंचाता है। जो शुक्र वाहिनी होती है यह शुक्राणुओं का स्थानांतरण करती हैं, शुक्राणुओं का स्थानांतरण करती हैं, स्थानांतरण करती हैं। गाइस जो हमारी शुक्र वाहिनी होती है वो यहाँ पर है शुक्र वाहिनी, या हमारे वृषण से जो स्पर्म का निर्माण होता है यह इसे ले जाकर शुक्राशय तक पहुँचाता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का वास इफ्रेंस शुक्र वाहिनी। अब दूसरा है हम लोगों का रेट्टे टेस्टिस, रेट्टे टेस्टिस। गाइस यह है हम लोगों का रेट्टे टेस्टिस। रेट्टे टेस्टिस गुच्छेनुमा जैसे संरचना होता है जिसके द्वारा जो हमारा स्पर्म होता है, जो हमारे वृषण से स्पर्म का निर्माण होता है वह हमारे शुक्र वाहिनी में आता है। तो गाइस रेट्टे टेस्टिस यह जालिकाओं का बना होता है, यह जालिकाओं का बना होता है। इसके द्वारा शुक्राणु शुक्रवाहिनी में प्रवेश करता है, शुक्रवाहिनी में प्रवेश करता है। गाइस जो हम लोगों का रेट्टे टेस्टिस होता है यह जालिकाओं का बना होता है तथा इसके द्वारा शुक्रवाहिनी में शुक्राणु प्रवेश करता है, तथा इसके द्वारा शुक्राणु शुक्रवाहिनी में प्रवेश करता है। अब गाइस जो अब हम लोगों का तीसरा टॉपिक है वह है अधिवृषण इपिडीडाइमिस। जो तीसरा है वह है अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण। गाइस जो हमारे शरीर में जो अधिवृषण होता है यहाँ पर यह है जो हमारा शरीर में जो हमारे वृषण होते हैं या उसकी रक्षा करता है, जो हमारे शरीर में हमारा अधिवृषण होता है यह वृषण की रक्षा करता है, तथा इसमें जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है यहाँ से जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है कुछ समय के लिए यहाँ पर एकत्रित होता है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए यह हमारे अधिवृषण में एकत्रित होता है। यह वृषण की रक्षा करता है, तथा कुछ समय के लिए शुक्राणु को एकत्रित करता है, शुक्राणु को एकत्रित करता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का जो अधिवृषण है, अधिवृषण हम यह वृषण की रक्षा करता है तथा कुछ समय के लिए जो हमारे शुक्राणु होते हैं इनको संग्रहित करता है,
फिर इसके पश्चात यहाँ से जो हमारे शुक्राणु संग्रहित होते हैं फिर यह शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय तक चले जाते हैं। लोगों का चौथा है वह है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। गाय जो वास डिफरेंस होता है यह भी यहीं पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है हमारा वास डिफरेंस। यह भी शुक्राणु का स्थानांतरण करता है, जो हमारा वास डिफरेंस होता है यह भी शुक्राणु का स्थानांतरण करता है, यह शुक्राणु का स्थानांतरण करता है। गाइज ये जो हमारा शुक्रवाहिनी और वास डिफरेंस होता है यह है जो हमारा जो वास डिफरेंस होता है यह शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है, शुक्राणु को यहाँ पर लेके आता है, फिर जो शुक्रवाहिनी होता है शुक्राणु को शुक्राशय तक लेकर आता है। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का सहायक नली, शुक्रवाहिनी, रेटेड टेस्टिस, अधिवृषण और वास डिफरेंस के बारे में। अब गाइज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है सहायक ग्रंथि। गाइज नर जनन तंत्र में तीन सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, पहला है शुक्रवाहक, दूसरा है काउपक ग्रंथि, तीसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। गाइस जो हमारी सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथि, इसमें तीन है, पहला है शुक्रवाहक, पहला है शुक्रवाहक, पहला है शुक्रवाहक, दूसरा है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, और तीसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो गाइज इसमें जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वह है शुक्रवाहक। गाइज यह है हम लोगों का शुक्राशय, यहां पर शुक्रवाहक या शुक्राशय। यहाँ पे शुक्राशय रहेगा, शुक्राशय, शुक्राशय या शुक्रवाहक। गाइस जो हमारा शुक्राशय है यहाँ पर, जो शुक्राशय है यहाँ पर यह हमारे मूत्राशय के पीछे स्थित होता है, हमारे मूत्राशय के पीछे स्थित होता है तथा यह जोड़े में होता है, यह पाला जोड़े में होता है, जोड़े में, दूसरा मूत्राशय के पीछे स्थित होता है, मूत्राशय के पीछे, तीसरा वीर्य इसी में संग्रहित होता है, वीर्य इसी में संग्रहित होता है, वीर्य इसी में संग्रहित होता है, चौथा वीर्य में इससे स्रावित पद, स्रावित हार्मोन्स की मात्रा साठ परसेंट तक होती है। गाइस जो हमारा है शुक्राशय या शुक्रवाहक ये जोड़े में होते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तथा जो हमारे वृषण से, जो हमारे वृषण से शुक्राशय आते हैं वो यहाँ, जो शुक्राणु आते हैं वो यहाँ पर स्थित होते हैं, तथा यह एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है जिसकी मात्रा हमारे स्पर्म में, हमारे वीर में 60% तक होती है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का शुक्राशय के बारे में।
तथा यह जो हमारा शुक्राशय है यह आकर यहाँ पर मूत्र वाहिनी में खुलती है। जो हमारा शुक्राशय है यह मूत्र वाहिनी में खुलती है, मूत्र वाहिनी में खुलती है। गाइस यह हो गया हम लोगों का शुक्राशय। पहला तो यह जोड़े में पाया जाता है, दूसरा जो यहाँ वृषण से जो स्पर्म आकर आता है वह यहाँ पर एकत्रित होता है। मैथुन की क्रिया के पश्चात जब मैथुन की क्रिया होती है तब यहाँ से जो शुक्राणु होता है उसका फॉर्मेशन होता है तथा यह शिश्न की सहायता से बाहर निष्कासित हो जाता है और यह मूत्राशय के पीछे स्थित होता है और वीर्य इसमें संग्रहित होता है। और चौथा है इसमें वीर्य इससे स्रावित हार्मोन की जो हमारे वीर्य में जो हार्मोन्स की मात्रा होती है इससे स्रावित जो शुक्राशय से स्रावित होता है उसकी मात्रा 60% तक होती है। और गैस यह है यह मूत्रवाहिनी में खुलती है तथा मूत्रवाहिनी के द्वारा जो शुक्राशय जो हमारे शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा वह होगा इसी के द्वारा। तो गाइस अब इसके पश्चात हम लोगों का है दूसरा टॉपिक काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि गाइस जो दूसरा टॉपिक है वह है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि गाइस जो हमारे काउपर ग्रंथि होते हैं ये भी जोड़े में पाए जाते हैं, ये भी जोड़े में पाए जाते हैं, ये भी जोड़े में पाए जाते हैं। गाइस यहाँ पर है यह हमारा काउपर ग्रंथि, एक इधर है यह हमारे जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा स्पर्म के स्रावित होने पर ये कुछ हार्मोन्स को स्रावित करते हैं, ये कुछ हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। जो मूत्र के पीएच मान को कम कर देता है, पीएच मान को कम कर देता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का काउपर ग्रंथि। जो काउपर ग्रंथि होती है वो यहाँ पर पाई जाती है या जोड़े में होती है तथा यह जोड़े में होता है तथा जब हमारे शरीर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो यह जो मूत्रवाहिनी है इसमें यह मूत्र के पीएच मान को कम कर देता है जिससे स्पर्म को निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर यह पीएच मान को कम नहीं करेगा तो जो हमारा स्पर्म है वह निष्क्रिय भी हो सकता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का काउपर ग्रंथि। अब जो हम लोगों का तीसरा है वह है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि गाइस जो हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि होता है वो यहाँ पर होता है, इसकी संरचना केवल एक होती है तथा यह फाटक का काम करता है, यह फाटक का काम करता है। जब हमारे शरीर में मूत्र को निष्कासित करना होता है तब यह स्पर्म के मार्ग को रोक लेता है तथा मूत्र को बाहर निष्कासित करता है। और जब हमारे शरीर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब यह मूत्र को रोककर हमारे शरीर में स्पर्म को फॉर्मेशन का कार्य करता है। तो गाइस यह फाटक का कार्य करता है, यह फाटक का कार्य करता है। दूसरा यह है
गाइज या मूत्र के समय स्पर्म को व स्पर्म के समय मूत्र को रोकता है या फाटक का कार्य करता है। और गाइज इसमें हम लोगों का एक है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो होता है यह हमारे शरीर में मूत्र को बाहर निष्कासित करने के लिए जिस वाहिनी के द्वारा मूत्र बाहर निष्कासित होता है उसे हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं, उसे हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का सहायक ग्रंथ। सहायक ग्रंथ में पहला था शुक्रवाहक जिसमें शुक्राशय उपस्थित रहता है तथा मैथुन की क्रिया के पश्चात शुक्राशय से शुक्राणु निकलकर मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाते हैं। और दूसरा है काउपक ग्रंथ। काउपक ग्रंथ जोड़े में पाई जाती है जो मैथुन की क्रिया के समय जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब यह मूत्र के पीएच मान को कम कर देता है। और जो हम लोगों का तीसरा है वह है प्रोस्टेट ग्रंथ। प्रोस्टेट ग्रंथ फाटक का काम करता है। जब हमारे शरीर में मूत्र का फॉर्मेशन होता है तब स्पर्म को रोकता है और जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तब मूत्र को रोकता है। अब गाइस हम लोग ये जानेंगे जो मेन में जो नल बंदी होता है कि नस बंदी वह हम लोग इसी में ही पढ़ेंगे। गाइज जो नर जनन तंत्र का मुख्य भाग या शिश्न नहीं होता है। गाइज इसमें एक मेन पॉइंट और है शिश्न। शिश्न गाइज शिश्न के द्वारा शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। गाइस जो हमारा यह शिश्न होता है यह मैथुन की क्रिया के पश्चात मादा के गर्भाशय में शुक्राणु को छोड़ता है। यह हो गया गाइस हम लोगों का शिश्न। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नर में नल बंदी होता है कि नस बंदी होता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का टेस्टिस। यह हमारे शरीर में जोड़ में पाए जाते हैं तथा यहां से वॉइस डिफरेंशिया निकला तथा यहां पर आकर शिश्न से मिल जाएगा। तो गाइस इसे हम लोग क्या बोलते हैं वॉइस डिफरेंशिया। तो गाइस जब हम लोग इसमें बंधता करेंगे या फिर हम लोग इसमें जो बंध करेंगे या फिर गाइज यह हो गया हम लोगों का वॉइस डिफरेंशिया और यह हमारे शरीर में ब्रिसड ये जोड़े में पाए जाते हैं। जब इसमें हम लोग नल इसमें यह वॉइस डिफरेंशिया है तो इसमें हम लोग वैस्कोटॉमी मतलब नस बंदी की प्रक्रिया को करेंगे। जो बंधता होता है इसमें तो जो जनक होते हैं जो दंपति होते हैं वह शिशु को उत्पन्न नहीं कर सकते। और गाइस जो हम लोग इसमें जैसे अगर हमें ऑपरेशन करके इसे काटेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे नसबंदी। जो मादा जो नर में होता है उसे हम लोग नसबंदी कहते हैं और जो मादा में होता है उसे हम लोग नलबंदी कहते हैं। इसे हम लोग नसबंदी वैस्कोटॉमी कहते हैं। तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।